हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू अर चैनल। सुबह के अराउंड 5:15 हो चुके हैं, 15 मिनट लेट है। तो मैं, विराज और अनन्या जा रहे हैं तुलजापुर, एंड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी, विराज और अनन्या तो बैठ गए, तो मैं भी बैठ जाती हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन एंड देखते हैं आज क्या क्या होता है। अब कुछ 6:30 हो रहा है एंड हम कुरकुंभ पहुंचे हैं। यहाँ पे नॉट श्योर कि इतना आपको क्लैरिटी दिखेगा कैमरा में, बट यहाँ पे काफ़ी वेदर, मतलब बाहर अच्छा दिख रहा है। शायद अभी थोड़ा थोड़ा ठंडी भी कम कर रहा है यहाँ पे। हाँ, एकदम फॉगी हो गया ना। फॉग है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है देख के। मतलब मैंने विंडो नीचे नहीं किया तो इसलिए इतना पता नहीं कि ठंडी है या नहीं। अनन्या तो सो गई वापस, तो अब वो कब उठेगी नॉट श्योर, पर ठीक है, अच्छा है वो सो गई तो थोड़ा उसका अपना ही नींद कंप्लीट हो जाएगा। एंड जब हम पहुंचेंगे तो वो पूरी फ्रेश रहेगी। मैप के हिसाब से हमें और 3 hours 15 minutes का जर्नी है। ये टोटल कितनी किलोमीटर होता है? 253 किलोमीटर्स है पुणे से। तो हम सोच रहे हैं, हमें लग रहा है कि जितना मैप पे दिखा रहा है उस हिसाब से हम कम टाइम में पहुँचेंगे, बिकॉज फास्टैग की वजह से सब जगह जल्दी जल्दी जा पाते हैं। इसलिए ट्रैफिक तो नहीं है, एक पैच में बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल्स का ट्रैफिक था, उस वजह से थोड़ा बीच बीच में स्पीड ये करना पड़ता है, बट ठीक है, ओवरऑल हम बहुत आराम से ही जाते हैं तो इतना कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक हम लोग ऑन टाइम पहुँचेंगे, विच इज़ अराउंड 10:30, बट शायद लगे। हाँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे तो 10:30-11 हो जाएगा, बट ठीक है, फिर भी 12 बजे के पहले हम पहुँच ही जाएंगे, तो हमारा दर्शन होके हम रीजनेबली डिसेंट टाइम में वहाँ से सब पूजा करके वापस आ सकते हैं। तो लेट्स सी थोड़ी देर में हम कहाँ तक पहुँचते हैं, हम ब्रेकफास्ट के लिए कहाँ रुकेंगे दिखाते हैं। ये देखो, इधर है, इधर इधर, हाँ ये ऐसा, ये लाइन दिख रहा है इधर, कुछ तो है, आई डोंट नो रॉकेट है या क्या है। बचपन में ऐसा कुछ दिखता था तो बहुत ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था मुझे कि ये क्या यहाँ पे ऊपर ऐसे कुछ काई से गया है, कौन सा रॉकेट लॉन्च हो गया करके। तो हम ऐसे ही थोड़ा एक मिनट के लिए साइड में रुके थे, तब दिखाई दिया, क्या पता है, आई हैव नो क्लू। हाँ तो उसका क्या इतना देर रहेगा, पता क्या है, कितना फॉग है। अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर यहाँ पे थोड़ा ठंडी शुरू हो गया अभी, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी अभी स्लोली स्लोली विंटर है, विंटर है राइट। पुणे में विंटर तो आई थिंक अभी मुंबई जैसा वेदर हो गया, अभी तो कुछ विंटर मुझे तो, जब से मैं आई हूँ तो मुझे ऐसा कोई, मैंने याद नहीं है कि वर्कआउट के लिए छोड़ के बाकी मैंने कभी स्वेटर पहना, जितना पहले सुना था कि विंटर इतना बहुत ज़्यादा हार्श होता है पुणे में, बट बिल्कुल नहीं, बहुत ठंडा, ज़्यादा ठंडा होता है ऐसा। बट आई थिंक 2-3 साल पहले जब मैं और सीमा जाते थे वर्कआउट के लिए सुबह सुबह 6 बजे ऐसे, तब एक बार था 8 डिग्री और कुछ 7 या 8 हुआ था टेम्परेचर, या उससे भी कम, बट उसके बाद आई डोंट रिमेम्बर कि इतना कम हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग। सन वाला तो जो ना, नहीं चल रहा था,
हमने अब ब्रेकफास्ट कर लिया, यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला था हमें, तो वहाँ पे अच्छा वॉशरूम वॉशरूम भी क्लीन था, तो जल्दी हो गया ब्रेकफास्ट, बट ठीक है एटलीस्ट अच्छी जगह पे मिल गया। तो अब चलते हैं आगे, और वक्त हो रहा है 7:40। मीता ना सत्या तो जू जो मीति नलका मीता ना मैंने स्मेल तूला स्मेल तोड़ वही ता हैंड मूल बहुत था हाँ मीता मीता यानी मीत पाई था रात्रि ला मीता याय नाइस इन द स्मेल नाइस इन यहाँ स्मेल बर्बर तारे आई स्मेल देता नो போடா நீக்கு துப்பட்டா போடா நின்ன ஃப்ராக் நைஸ் உண்டியா ஓடு புப்பி நீ வாவ் கிட்டி சானே நா பாபா ஓ தாதா கொத்துனா காட்டன் கப்புஸ் கப்புஸ் ஓ தாதா உண்டுண்டு தோ நெட்புரா டிராக்டருடு ஒப்புற கப்புஸ் ड्राइव मन तो मिल लेता मम्मा ने दुपट्टा पड़ता मैं दुपट्टा काटी एक टमी फुल माय टमी फुल माय टमी फुल माय यू टमी फुल आई इंग्लिश आता हूं बाप रे माय टमी फुल माय आती है माय टमी इज फुल बाबा के टमी फुल 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 नहीं स्कूल अटेंड मलपगा ना गप्पा गोष्टी सेशन उंडू स्कूल दा टैब मलपगा यान काला मीना बैग डलपा टैब कंडे गप्पा गोष्टी सेशन मलपगा ना उपड़ा इत्ते बैग अल्पने कोई पोची अरे अंचेंचा पका टीचर पन पे नेर पे अनन्य बरपू जोल सैटरडे गप्पा गोष्टी सेशन दादी अनिक बच्चा भी नहीं था हां सीधा ईद चली उंडो मंगी ईद चली उंडो पुक्कडे वल्ला जना तक इसी तक दिपिन फिर होता बाबा निक के तल पुन मंगी ठीक है पे अब सरदेवाड़ी करके एक एरिया है जो सोलापुर में है तो यस डू यू हैव समथिंग टू से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में अटके है टोल है आगे तो हमने लगा था कि यहाँ पे टोल में फास्टैग की वजह से जल्दी जल्दी निकल जाएंगे गाड़ियाँ बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है और सारे हैवी व्हीकल्स है वो पता नहीं अभी कितना देर हैवी व्हीकल्स के वजह से ट्रैफिक जाम नहीं है छोटी छोटी गाड़ी की वजह से ट्रैफिक जाम वो लोग बीच बीच में घुस घुस के नहीं वो घुस घुस नहीं रहे फास्ट टैग नहीं होगा तो ऐसे ही वो टाइम पास कर रहे हाँ इनको तो कंपल्सरी है ना बड़े गाड़ी वालों वो लोग हमेशा रखते ही रहेंगे इतना ट्रैफिक और इनके इसमें आधे लोग इसमें वो बैलेंस नहीं रहेगा कोई गाँव वाला रहेगा तो वो झगड़ा करते बैठते है देखते हैं अभी तो मैप में दिखा रहा है 2 hours 15 minutes का रास्ता 10:35 दिखा रहा है जाने के लिए वो छोटी गाड़ी थी वो निकल गई इसलिए मैं छोटी गाड़ी के पीछे गया नहीं हम फाइनली पहुंच गए हैं तुलसापुर काफ़ी एफर्ट के बाद पार्किंग के लिए स्पेस मिली है पीछे लगाई है गाड़ी तो अब अनन्य हमें और विराज चल चल के जा रहे हैं देखो कहाँ जा रहे हैं मैं और अनन्य एज यूजुअल सो के उठे अभी जस्ट हम दोनों सो गए थे विराज ड्राइव करने के टाइम तो अनन्य ऐसे थोड़ी मूड में नहीं है अभी तो देखते हैं अभी कितना दर्शन करने के लिए अंदर इधर उधर चिको इधर आ जा अंदर कितना अभी रश है क्या है देखते हैं लेट्स सी टाइगर होंडल पर टाइगर वो यार टाइगर मेरे बच्ची बोला तो ये वो टिप्पणी जगह जो
फाइनली यहाँ पे टेंपल के अंदर है। ये बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा दर्शन हुआ है हमारा, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। हाय, नहीं सुन बेटा, नेटा नहीं सुन विराज, अच्छा हो गया, सब ठीक से हो गया। अभी थोड़ी देर बैठेंगे और हम सब वापस जाएंगे। वापस जाएंगे चिको, टॉयज टॉयज लेने का है। ओके, टॉयज लेके जाएंगे, ठीक है। ओके, अनन्या आनंद है चलाव गे, आनंद है चलाव छोटा सा जूस चिको एंच रुचि बता में बैठ गए। काफ़ी धूप अभी निकल आई है। मैंने यहाँ पे पेरू खरीदा है और ये पिंक वाला पेरू है। पेरू को हिंदी में क्या बोलते हैं? पेरू को हिंदी में, अरे आई फॉरगॉट, इंग्लिश में तो गुआवा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अमरूद, अमरूद। तो अमरूद आई को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से ले। और काफ़ी यहाँ पे चीप भी था, 50 rupees किलो था। पुणे में तो 50 rupees में दो आता है शायद, छोटा छोटा। तो अब थोड़ा अमरूद खाते खाते जाएंगे और बीच में कहीं तो भी हाईवे पे खाना खाएंगे। अच्छा है, हमारा सब वक्त पे हुआ, 1 बज गए, फिर भी काफ़ी अच्छा दर्शन रहा। हम अब वापस यहाँ पे टेम्पल के अंदर आ गए हैं। यहाँ से तो मुजफ्फरपुर से निकले हैं, तो ये है सोलापुर तुलजापुर हाईवे। बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है, एकदम स्मूथ रोड है। मैं आने के टाइम शो गई थी, इसलिए मेरा ने अभी बोला कि ये यहाँ का हाईवे बहुत ही अच्छा था करके, क्योंकि मैं अनन्या तो बिल्कुल एंट्रेंस तक हम लोग सो गए थे, तो हम लोगों को समझा ही नहीं कि कब पहुँच गए। तो अच्छा है यहाँ पे, ओवरऑल काफ़ी रोड्स काफ़ी अच्छे बेटर किए हैं। वेरी नाइसली मेंटेन्ड। मैं और विराज 5 years पहले आए थे, मतलब शादी के बाद इधर आना होता है। तो मैं, विराज, आई बाबा आए थे यहाँ पर। तो उस वक्त आई हैव नो क्लू कि कैसा रास्ता था और क्या था, बिकॉज एज यूजुअल मैं तभी भी बहुत सोई थी और तभी तो बहुत थकी भी थी, बिकॉज वेडिंग का पूरा इसमें आई वॉज़ वेरी टायर्ड। तो मैं तो फुल ट्रैवल में सोई थी, तो अच्छा है। बट अनन्या ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। अब हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे अच्छा रेस्टोरेंट मिले जहाँ पे खाना खाएंगे, और
मे भी आगे जाके थोड़ा अनन्या को भी चेंज करना है क्लोथ्स, तो ऐसा कोई स्पेस दिखा तो वहाँ पे थोड़ा रुक जाएंगे मे भी बायो ब्रेक लेने के लिए एक्सेट्रा। तेरा ड्रेस चेंज करूँ? हाँ ठीक है चेंज करते हैं। ओके कपड़े कितने हैं? मेरा कपड़े तेरा कपड़े बैग में है, देख तेरा बैग उधर रखा है नीचे, वो देख इधर नीचे निकाल बैग। चलो तेरा क्लोथ चेंज करते हैं अभी। ओके चलो ठीक है। हम यहाँ पे हाईवे में ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके हैं। रेस्टोरेंट का नाम है श्रीमान पाटिलवाड़ा, श्रीमान पाटिलवाड़ा। पूरा वाड़ा वाला सेटअप है एकदम, बहुत सही लग रहा है एकदम। तो चलिए चलते देखते हैं अंदर क्या क्या है। पूरा होटल का डेकोर ऐसा है, ओल्ड स्टाइल वाड़ा। फाइनली हमारा खाना आ गया है। ये ज्वारी का भाकरी, मटन सूखा मटन रसा एंड ये आलू पानी है ना, ये सूप। विराज एकदम पेशवाई स्टाइल में बैठ के खाना खा रहा है। नहीं नहीं सिट सिट। यहाँ पे एक प्ले एरिया भी है, यहाँ पे अनन्या का कब से नज़र था, उसे खेलना था। वेट वेट वेट, बैठो सिट। सुमन था पीरा, पीरा खुला था। कुछ दोस्त भी हो गए हैं एकदम। बस हाँ फाइनली अनन्या को वहाँ से प्ले एरिया से खींच के लेके आना पड़ा, बहुत देर खेल रही थी। अब हम निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 बजने आ गए और हम शायद ऑलमोस्ट 8 o'clock तक पुणे पहुँच जाना चाहिए हमें, कंसिडरिंग अभी आधे आगे जाके कैसा होता है। रोड्स अभी फ़िलहाल काफ़ी खाली है। बहुत ही अच्छा खाना था, बेस्ट मुझे लगता है अभी तक का जो भी हाईवे पे हम लोगों ने जितने बार भी ऐसे थाई सिस्टम वाला खाना खाया है उसमें ये दी बेस्ट था। विराज को तो इतना पसंद है, विराज तो 5 घंटे ट्रैवल करके भी इधर आके खाने के लिए रेडी है ऐसे बोल रहे थे। ऑब्वियसली हम नहीं आते ऐसे सब, बट येस सेट दैट काफ़ी अच्छा ट्रिप। एंड 5 आवर्स में अनन्या ने तो वहाँ पे कुछ खाया नहीं ठीक से, तो यही वो खा रही है और यही यम्मी लगता है उसे, तो अभी वो सो जाएगी थोड़ी देर में। और पता नहीं विराज बेचारे थोड़ा सा पावर नैप ले रहे थे कार में और हम आ गए, आई डोंट नो उनको थोड़ा भी नींद मिला है कि नहीं। घर जाके आज जल्दी सो जाएंगे होपफुली ये वीडियो एडिट करने के बाद। फाइनली हम पहुँच गए हैं अब घर, 7:45 हो गए। चेक करते हैं गाड़ी ने विराज कितनी एवरेज दी। ओके तो हमारी गाड़ी चली है .600 किलोमीटर, 600.6 और एवरेज है 25.8। अच्छा एवरेज दिया एकदम कार ने मेरी प्यारी नेक्सॉन ने। ऊपर चलो मैं गाड़ी ला के आता हूँ। ठीक है चलो लेट्स गो चिको। शूज पहनोगे? शूज पहनोगे? हाँ पहन ले फिर चलो चलो। फाइनली हम घर पहुंच गए अराउंड 7:30 को एंड
अनन्या भी काफ़ी सेटल्ड है अब, वो उसका खाना वाना भी हो गया, अब ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके हैं। तो इसी तरह से आज का ये ब्लॉग करते समाप्त और आज का ये दिन भी करते समाप्त। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड इस वीडियो और बाकी के सारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कल वापस मिलेंगे, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।